आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। महादेव महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। अर्थात कौन है महादेव, कौन है महात्मा, कौन है ध्यान का परम लक्ष्य, वो जो अपने भक्तों के सभी पापों पाप कर्मों का नाश कर देते हैं, वो जो महान पापों का नाश सिर्फ नाम मात्र लेने से कर देते हैं, ऐसे शिव को नमन करता हूँ जो म शब्द द्वारा वर्णित किए गए हैं, जो सभी कारणों के कारण है। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ आज 22 मई 2023 चंद्रमा मिथुन राशि में अहोरात्र मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का सुबह 10:36 तक, उसके बाद राहु का नक्षत्र है आराद्रा। आज महाराणा प्रताप जयंती है, कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेष राशि, आपके लिए आज के चंद्रमा यात्रा पर ले जा सकते हैं आपको। दोपहर 10:30 के बाद वाला पीरियड आपको संभाल के, अपनी तबीयत संभाल के रहना पड़ेगा। खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर चले, किसी के साथ किचकिच ना करें। वृषभ राशि, अपने संचित धन की बर्बादी ना करें सुबह भी और उसके बाद भी, और ये इनके इन प्रकार दबा के रखें अपना पैसा। परिवार के साथ अनाप शनाप बात ना करें और उनके विषय में गलत ना सोचें। मिथुन राशि, गलत काम करने के लिए कोई उद्दत करता है या आपका मन करता है कि मैं गलत लोगों से हाथ जोड़ूं, पैसे ज्यादा कमाने हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको दूर से ही नमस्कार करना है गलत लोगों को, और ऐसी स्थिति आ सकती है आज के दिन। कर्क राशि, आपके लिए विदेश रिलेटेड कारोबार चल सकते हैं 10:30 के बाद, तो उद्यत रहिए, उद्यमी रहिए। काम बनाने के लिए खासकर मीडिया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है तो बनेंगे आपके। प्रेम संबंधों में उलझन आओ। सिंह राशि, आपके लिए देखिए केसेस विवाद हैं तो उसमें किचकिच ना करें, धन आएगा पैसा आएगा, और अगर धन आ रहा है तो उसको रोके ना, अपने पिता समान लोग और पिता से अनबनना करें। कन्या राशि, आपके लिए अब आपको टेक्नोलॉजी मीडिया से पैसे मिल सकते हैं, अगर आप नेता अभिनेता हैं तब भी मिल सकते हैं, लेकिन किसी के साथ मनमुटाव नहीं करना है आपको, और किसी के विषय में गलत नहीं सोचना है, गलत लोगों के साथ हाथ भी नहीं मिलाना है। तुला राशि, 10:30 तक जो नक्षत्र है वो आपको काम को रोक सकता है, आपके आने वाले व्यवहारों में व्यत्यय आ सकता है, यात्रा संभल के करें। बाद वाला पीरियड आपको फायदेमंद है, उसमें आपके टेक्नोलॉजी और मीडिया से रिलेटेड काम बन सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए आज के दिन तबीयत संभालने की बात है, अपनी त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, हाथ कान नाक गला या इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसमें पेट प्रभावित है या नींद नहीं आ रही, तो शांति से रिलैक्स कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गणेश जी की आराधना करें। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए आज का दिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश करने का नहीं है, थोड़ा स्पेस बना के चले, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी स्पेस बना के चले, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। मकर राशि, विरोधियों से सावधान, जो लोन्स वगैरह लेने की बात चल रही है उसमें गलत लोगों से पैसा मत लीजिएगा, हालांकि आपके कुछ काम होने जा रहे हैं बैंकिंग रिलेटेड वगैरह, उस पर ध्यान दीजिए। कुंभ राशि, बच्चों को गलत आते ना पड़े, आज गलत संगत ना हो, गलत विचार ना हो, इसका ध्यान रखना है, और उनके साथ आपको अनबन नहीं करनी है, शांति से रहना है, हो सके तो आप माँ सरस्वती की आराधना करें। मीन राशि, आपके लिए कई सारे ऐसे काम जो माता पक्ष के साथ मिलके होने थे, अगर सुबह 10:30 तक ना हो तो उसके बाद हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं उनके साथ, और शांति बनाए रखनी है, घर में हेल्पर्स के साथ भी नहीं उलझना है। आज मिथुन में चंद्रमा है 10:28 तक, मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का, उसके बाद है नक्षत्र आराद्रा राहु का। आज का नक्षत्र और चंद्रमा दोनों ही सुहाता है तुला राशि को, 10:30 के बाद वाला पीरियड आपको बहुत सुहाएगा। बधाइयां जी बधाइयां। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमय शुभकामनाएं मेरी आप तक पहुंचे। आए अब जानते हैं एक वास्तु का टिप।
अब वास्तु के टिप में मैंने पिछली बार बताया था कि पोछे के पानी में आपको थोड़ा सा नमक और गंगा जल डालना है। अब एक बात और, आप अगर चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहें तो अपने घर में पंछियों को दाना डालें। अब कई लोग कबूतरों का वहम करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस घर में चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर, कौवा सभी आते हैं, उस घर में खुशहाली बढ़ती है। क्योंकि जहां पर खाना पकता है, ज्यादा खाना बांटा जाता है, वहां पर खुशहाली बढ़ती है। कहा जाता है अगर आप पर कोई समस्या है तो लोगों को खाना खिलाइए, अन्नदान महाकल्याण। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। सोनू गुप्ता जी गोंडा दिल्ली से लिखते हैं, मुझे 3 मंजिला घर बनवाना है, कोई समस्या तो नहीं आएगी? अरे बड़ी बधाइयाँ जी, सोनू गुप्ता जी नंबर दिया है आपने 53 और उसके हिसाब से आपका जो घर है वो अवश्य बनेगा, कोई अड़चन आपको नहीं आएगी। बकायदा आप दुर्गा माँ की आराधना करते रहे, ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करते रहे। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आगे दीजिए धन्यवाद और नमस्कार।